एक्चुअली देयर वर मेनी एलिमेंट्स व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर व्हाइल कास्टिंग कायो. राजेश सर ने जब बच्चे का ब्रीफ किया था तब राजेश ने चार ऑप्शन दिए थे. अ चार्मिंग स्माइल, पारसी लगना चाहिए, वेरी डाउन टू अर्थ, और क्रिकेटर अच्छा होना चाहिए. कुछ 14,000 या 15,000 लोगों का ऑडिशन किया, उसमें ऐसा लुक एक भी बंदे में नहीं था. लुक था, एक्टर कम था, एक्टर था क्रिकेटर नहीं था, क्रिकेटर था एक्टर नहीं था, कुछ ना कुछ तो लपड़े हो ही रहते थे. मतलब पहली बात तो मैं भूल ही गया था कि ऐसा कोई मिल ही जाएगा, लेकिन सडनली मिल ही गया. माय नेम इज ऋत्विक साहोर, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ. मेरी फैमिली है, मम्मी पापा छोटा भाई और दादाजी सब साथ में रहते हैं. मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक मॉल है, तो उस मॉल में मैं बैठा था. सडनली एक मुझे एक बच्चा दिखाई दिया. जब मैंने उस बच्चे को देखा उसमें मैच्योरिटी थी, ये शर्मन का बेटा भी लगता है और पारसी लग रहा था. तब मैंने पक्का कर लिया कि भाई इनको मैं अभी 100% पूछूंगा. पीछे से एकदम सडनली कोई तो आया ऐसे, मैम मैम एक्सक्यूज मी मैम. उसी टाइम उसके पापा गए, तो पापा को लगा यार कोई परेशान कर रहा है. सो वो टाइम पे देन रोहन सेड, लुक सर प्लीज लिसन टू मी. सो ही टोल्ड मी दैट हम एक लड़का ढूंढ रहे हैं मूवी के लिए. व्हेन ही सेड विनोद चोपड़ा फिल्म्स, ऑब्वियसली वी वर क्वाइट इंटरेस्टेड इमीडिएटली. मैं आपको मेरा नंबर दे रहा हूँ कि आप मुझे कल कॉल कीजिए, कल मेरा वर्कशॉप है, आप उसे कल लेके आइए. व्हेन वी रीच होम ऋत्विक को पूछा बेटा करेगा, सो ही सेइंग पापा इंटरेस्ट है. सो फ्रॉम फर्स्ट डे ओनली दैट बॉय स्टार्टेड शोइंग अप, द स्पार्क, the smile, the charm. दो चार दिन बाद राज ने कहा कि तुझे क्या लगता है कौन होना चाहिए. तो मैंने भाई ऋत्विक का ही नाम बताया था, सच बताऊं तो. I was right. I'd seen his auditions in terms of the improvisations that he had done, and I thought he was stunning in his improvisations. And I'm going to tell you something else. The way he's acting, I better do a good job myself, or he's going to make me look very silly as an actor. The thing that attracted me to him was his innocence. That's the rare quality of an actor, to be so innocent that he becomes the character. लेकिन अगर उस piggy bank का lock नहीं खुले तो वो piggy bank को तोड़ देते ना पापा. Thank you, Baba.